हेलो फ्रेंड्स, मैं विराज मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट्स। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ टाटा एल्ट्रॉस के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जरूर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी न्यूज़ बताई थी टाटा एल्ट्रॉस टर्बो पेट्रोल के बारे में, टर्बो इंजन आने वाला है यहाँ पर पेट्रोल वर्जन में टाटा एल्ट्रॉस का। तो वो हम लोग को स्पाइड भी हुआ था ब्लू कलर में, तो वो फिर से स्पाइड हुआ है हम लोगों को। यहाँ पे उसकी इमेजेस मैं दिखा दूँगा, फ्रंट से बैक से स्पाइड हुआ था। और यहाँ पे एक और चीज़ कंफर्म हो गई है कि यहाँ पे जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो आएगा ही अल्ट्रॉस पेट्रोल टर्बो में, टर्बो पेट्रोल में, बट उसके साथ एक और गियर बॉक्स दिया जाएगा। वो होगा 7 स्पीड DCT ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, वो भी 7 स्पीड का, और वो बहुत ही अच्छा होगा। स्कॉडा या हुंडई से सोर्स होगा एज प्रोबली। तो यहाँ पे और जो टर्बो पेट्रोल अल्ट्रॉस का होगा वो यहाँ पे आपको 110 BHP की पावर देगा, जो बहुत सही है। आपको 110 BHP की पावर जो आपको नेक्सॉन में मिलती है, 10 BHP का मैं नेक्सॉन से, बट ये आपको अल्ट्रॉस में जान फूंक देगा पेट्रोल वर्जन में। डीजल वर्जन तो वैसे पावरफुल है। तो और नए कलर ऑप्शंस भी आ जाएंगे जैसे लॉन्च होता है, और DCT शायद से डीजल में भी आए, पेट्रोल में टर्बो पेट्रोल में कंफर्म है 7 स्पीड DCT आएगा। तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटो एक्सपर्ट्स, बाय।